तार भी सूफी मैं सूफी करतम दयाऊ श्री गणेशाए नमा। और वो बहुत बड़ी अच्छी स्टेज होती है, वहाँ पे काफ़ी सारे दिग्गज जो आपको पता है जजेस बैठे होते हैं बॉलीवुड से पंजाबी इंडस्ट्री के, तो हम उनके सामने गाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे। और आप मीडिया वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूँ आपके साथ नीतू सिंह। सुर सफ़र के नए एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हम आज एक ऐसे सिंगर से मुलाकात करने जा रहे हैं जो डिवोशनल सॉन्ग गाते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में टैलेंट की कोई कमी नहीं है और आए दिन इसके उदाहरण जो हैं आपको साफ तौर पे देखने को नज़र आते हैं। आज मुलाकात करते हैं राहुल रैना से, जो सिंगर हैं। डिवोशनल सॉन्ग तो गाते ही गाते हैं लेकिन बाकी सूफी सॉन्ग में भी इनका काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो चलिए करते हैं एक छोटी सी मुलाकात, जानते हैं राहुल रैना से कि इनका ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। राहुल जी, आपका ग्रेटर जम्मू के चैनल में स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच ग्रेटर जम्मू का, जो मुझे इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जी। तो राहुल जी, आपने भक्ति सॉन्ग गाए हैं जहाँ आजकल हिप हॉप का ट्रैक जमाना है, आजकल लोग बॉलीवुड सॉन्ग सूफी सॉन्ग ज़्यादा पसंद करते हैं, भक्ति सॉन्ग की तरफ आपका रुख कैसे हुआ? मैम ये कुदरती, मैं आपको बताऊँ आपके चैनल के माध्यम से ये कैसे हुआ, कब क्या हुआ, मतलब ये कुछ नेचुरली कुछ चीज़ हुई ऐसी ना, मतलब मेरा फिर इसी के साथ मेरा अट्रैक्शन ज़्यादा हुई। और भक्ति सॉन्ग्स मैं एक, मतलब मैं माता रानी के भजन ही गाता हूँ, मैं सोचता हूँ कभी सूफी करूँ रिकॉर्ड, या कोई डोगरी करूँ, या पंजाबी करूँ, या कोई बॉलीवुड का करूँ, बट मुझे पता नहीं माता रानी ने इस साइड में जाने दे रही है, मेरा खुद इंटरेस्ट इसमें जा नहीं रहा, तो मेरा इसी में ज़्यादा अटैचमेंट हो रही है डिवोशनल में। तो अब तक आपने कितने डिवोशनल सॉन्ग जो हैं वो गा लिए हैं? मेरे डिवोशनल जो भजन अभी तक 7-8 आ चुके हैं और 2 अभी आने वाले हैं, कमिंग सून है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में 2 और जो डिवोशनल सॉन्ग है हम हमारे दर्शकों को हमें आने वाले नवरात्रों में। जी बिल्कुल, 2 ट्रैक। तो आप बेसिकली हैं कहाँ के, जम्मू के रहने वाले? मैं बेसिकली कश्मीर से हूँ, तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे जब आए तो हम यहाँ सेटल होते हैं, कम से कम 25-30 साल हो गए। जी, तो भक्ति सॉन्ग के अलावा जैसे आपने कहा कि मैंने बहुत बार ट्राई करने की कोशिश की लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल पाई या आपका मन भी नहीं किया, ऐसा क्यों रहा? क्योंकि बहुत सारी और चीज़ें भी हम लोग ट्राई करते हैं। जी मैम, भक्ति सॉन्ग मतलब मैंने ट्राई तो इसी से शुरुआत की है, बाकी मैं स्टेज पर लाइव सूफी शोज़ भी मैं करता हूँ, सूफी भी गाता हूँ, बॉलीवुड भी गाता हूँ, और डोगरी भी मैं ट्राई करता हूँ। फिर आपको यू नो वेरी वेल कि आपको पता होता है प्रोनाउंसिएशन का खास ध्यान रखा जाता है जी। तो हम नहीं चाहते जब हम स्टेज पर गाए उस गाने को हम ले जो हमसे अच्छा गाया जाए ताकि हमें कमेंट्स भी अच्छे मिले। तो डोगरी भी ठीक है, सूफी भी ठीक है, सारा ठीक है, बट इशू इस चीज़ का रहा कि मैंने जो भक्ति सॉन्ग गाए मेरा उसी में, फिर मेरा जोनर ही ना मतलब सूफी टाइप क्लासिकली में ज़्यादा गाता गया जी। तो हमें ये भी पता चला है कि आप कटरा में जब नवरात्रे होते हैं उसमें अपनी लाइव परफॉर्मेंस देते हैं। जी बिल्कुल, मैं हर साल देता हूँ, हर साल माता रानी मेरी वहाँ पे हाजिर लगाती है और मैं हाजिर लगाने के लिए वहाँ पे जाता हूँ। वो बहुत बड़ा एक अच्छा ऑल इंडिया डिवोशनल कॉम्पिटिशन होता है, तो उसमें हाजिर लगा के बहुत मज़ा आता है, काफ़ी लोग वहाँ में सुनते हैं। तो ये भी हमें पता चला है कि आपने कभी उस परफॉर्मेंस के पैसे वगैरह नहीं लिए, आप सिर्फ अपने दिल से उस परफॉर्मेंस को करते हैं। जी जी, नहीं वो परफॉर्मेंस के पैसे नहीं होते, मैं वो एज ए कंपटीशन टाइप होता है, बट मैं वहाँ पे कैसे हाजिर लगाने के लिए जाता हूँ। और वो बहुत बड़ी अच्छी स्टेज होती है, वहाँ पे काफ़ी सारे दिग्गज जो आपको पता है जजेस बैठे होते हैं बॉलीवुड से पंजाबी इंडस्ट्री के, तो हम उनके सामने गाते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है हमारे लिए। ऐसे आप प्रोफेशनली क्या करते हैं? ऐसे प्रोफेशनली तो मेरा यही काम है, प्रोफेशनली बात आप बोलो कि मतलब जैसे मैं कह रहा हूँ कि साथ में ये तो मेरा पार्ट टाइम था, मेरा प्रोफेशनल बन गया, मैं साथ में एक प्राइवेट जॉब करता हूँ जी। मतलब जी, तो कैसे मैनेज करते हैं फैमिली भी देखना, अपनी प्राइवेट जॉब भी? प्राइवेट जॉब तो सब जानते हैं कितना प्रेशर रहता है, और ऐसे में भक्ति सॉन्ग्स को भी लिखना बनाना गाना कितना मुश्किल रहता है? काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। पहले मेरे भजन वही और कोई लिखते थे मैम, और अब माता रानी की इतनी थोड़ी सी कृपा मेरे पर हो गई है तो मैंने खुद लिखना स्टार्ट किया है। अभी जो मेरे 2 भजन जो अभी रिलीज़ हो चुके हैं पीछे मंथ में, 1-1.5 मंथ से पहले, वो भी मैंने खुद लिखे, और जो 2 मेरे और भजन आ रहे हैं माता रानी के वो भी मैंने खुद ही लिखे, कोशिश की है लिखने की, तो फिर बाकी माता रानी उन्हीं की ब्लेसिंग। राहुल राणा जी, हमने ये भी सुना है कि आपने सारेगामापा में भी ऑडिशन दिया था लेकिन कहीं आपका मन नहीं माना, ये क्या मतलब पूरी वाकया क्या था ये आप हमारे दर्शकों को और बताइए। सारेगामापा में गया था, आई थिंक मेरे को याद नहीं, 2000 मेरे को पूरा मतलब ईयर मेरे को करंटली ना याद नहीं, बट मैं बता रहा हूँ मैं गया था, चंडीगढ़ में ऑडिशन हुए थे, मैं वहाँ पे गया था, 1 राउंड से भी मैं पार हो गया, 2 राउंड से भी मैं चला गया, तीसरे में जब मैं पहुँचा म्यूजिशियन बैठे थे अच्छे सामने, जजेस थे, मैं ये नहीं कहता हूँ हमसे भी गलती होती है, बट मतलब मैं वहाँ पे मेरे को सर्टिफिकेशन नहीं मिली,
जी, पहले पहले राउंड में भी मैंने एक सूफी सुनाया, उसके बाद बॉलीवुड सुनाया, तीसरे में भी सुनाया, बट वहाँ उनकी तरफ से कोई रिस्पांस मुझे अच्छा नहीं आया। बट मैं एटलीस्ट अपनी तसल्ली के लिए वहाँ पे गया था कि मैं देखता हूँ कि क्या होता है, कैसे यहाँ पे ऑडिशंस ये कंडक्ट करते हैं और कैसी इनको हमारी परफॉर्मेंस लगती है। उसके बाद से भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं जी टीवी पर, बड़े सारे ऐसे प्रोग्राम्स आते रहे हैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स, कभी आपने पार्टिसिपेट नहीं किया? जी वहाँ पर मैं पार्टिसिपेट ना मैं कर सकता हूँ और ना मेरा मन ये जाने का, क्योंकि मैं मतलब मेरा जम्मू में ही मेरे को लग रहा है काफ़ी ज़्यादा मेरा नाम है, और मैं चाहता हूँ, मैं आपके ग्रेटर जम्मू न्यूज़ के चैनल के माध्यम से ये कहता हूँ कि मैं सिंगर बना हूँ ये माता रानी की वजह से, और फैमिली का भी सपोर्ट है, और आप मीडिया वालों ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। आई थिंक 7-8 साल हो चुके हैं मीडिया वालों ने ही मुझे उठाया, मेरा तब कोई ट्रैक नहीं आया था, तब मेरी सिंगिंग की शुरुआत थी, और मैं चाहता हूँ कि मतलब यही सिंगिंग में मैं चाहता हूँ कि मैं नेमे में ही रहूँ, बस अपनी फैमिली के लिए गाता हूँ, माता रानी के लिए गाता हूँ, बस ये मेरी मतलब थिंकिंग है जी। आपने सारेगामा में भी पार्टिसिपेट किया, वहाँ का माहौल और यहाँ के माहौल में बहुत फ़र्क है। जी बिल्कुल। कितना आपको फ़र्क नज़र आता है? वहाँ तो फेम बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो फेम मिलने में बहुत समय भी लगता है। जी वहाँ फेम मिलता है, वहाँ पे फेम आपको मैं बताऊँ, फेम इसलिए मिलता है क्योंकि वहाँ पे सिखाने वाले, आप देखो दिल्ली में, मुंबई में मैम है, पंजाब में सिखाने वाली, वहाँ अच्छे अच्छे घराने के, अच्छे अच्छे जो घराना है ना, सूफी घराना या कोई भी घराना ले लो, वहाँ से वो लड़के आते हैं, सीख के आते हैं और कमाल कर देते हैं। जब वो ऑडिशन में गाते हैं, फिर जब उसकी सिलेक्शन होती है, फिर वो जीत के आते हैं, अपनी फैमिली का नाम रोशन करते हैं, तो वहाँ पे दिग्गज लोग सामने बैठे हैं, उनके सामने गाना बहुत बड़ी बात होती है। तो आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में अभी बहुत सारी चीज़ें लैक करती हैं? बिल्कुल हाँ, एक चीज़ें भूल गया आपको बताना, यहाँ पे मैं आपको मैम एक बात बताऊँ, यहाँ पे टैलेंट बहुत ज़्यादा है, ये आपको भी पता होगा, ये पूरी दुनिया को पता है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, सपोर्ट, पहली बात तो सपोर्ट नहीं है। मैं चाहता था कि मेरे को मौका मिले कि मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूं, मैंने काफ़ी जगह बोला भी हुआ है, बट मेरे को बार बार मन करता है बोलने का कि मैं चाहता हूं कि इसमें सुधार हो, कमी है, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और प्लेटफॉर्म जो हमें, मैं बताऊं आपके चैनल के माध्यम से, प्लेटफॉर्म यहाँ पर बिल्कुल सही तरीके का प्रोवाइड नहीं होता है। देखो मैम ऑडिशन होते हैं, कोई लड़का ऑडिशन देने आ रहा है, किसी का कोई है ना फैमिली इशू होता है, कोई फीस नहीं दे पाता है, किसी के बड़े सारे कारण होते हैं, तो कोई गांव के लोग होते हैं, हम ये ऑडिशन में जाना चाहते हैं, उनको कोई जरिया नहीं मिलता, हम किसके जरिए कहाँ पे ऑडिशन दे और हमें कैसा पता लगा, ऐसे मैंने काफ़ी सारे लोग देखे, यहाँ पर सपोर्ट की कमी है, टैलेंट बहुत ज़्यादा हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा। आपने बात की सिंगिंग की, तो सिंगिंग आपसे, आपने किन से सीखी और इस सफ़र में अब तक कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है आपको? मैं आपको एक बात बताऊँ मैम, सिंगिंग तो मैंने कहीं से सीखी नहीं है, ठीक है, मेरे को म्यूज़िक के, आप गॉड गिफ्टेड है, हाँ मेरे को म्यूज़िक की बताऊँ तो जीरो नॉलेज, बिल्कुल ए टू जेड कोई नॉलेज नहीं है, ये गॉड गिफ्टेड है। और काफ़ी सारे मैंने सिंगर्स को ना, जैसे मतलब आप ले लो, देख लो, आप जब हम किसी के साथ रियाज में कोई बंदा करवा रहा है ना, आप खुद देखो मैम, इमेजिन करो जब कोई हमें सामने से सिखा रहा है और हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, उसमें बहुत फ़र्क है जी। हम किसी को फॉलो कर रहे हैं, फॉलो ही किया मैंने काफ़ी सारे सिंगर्स को, तो फिर एक जैसे आप पंजाब के काफ़ी सारे सिंगर आपने अपने बदाली जी हैं, कोई आपका पसंदीदा सिंगर? हाँ मैं उसी घराने से ही ताल्लुक़ करता हूँ, उस्ताद मास्टर सलीम जी है ना जी। जो सूफी शाहकोटी परिवार है जलंधर से, मैं उसी फैमिली से ताल्लुक़ करता हूँ, वो मेरी फैमिली है, उनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं सिंगिंग मेरे माता रानी के भजन आए, या मैं कह रहा हूँ मेरा अगर आपका इंटरव्यू हो रहा है ना, ये उनके ज़रिए से ही हो रहा है, क्योंकि उनको ही मैंने सुना, तभी मैंने इस चीज़ की शुरुआत की। तो कभी उस तरफ जाने का रुख किया कि मैं उनके पास चला जाता हूँ? मैं वहीं पे होता हूँ मैम, मैं अभी मैंने जाना है, बस अगले महीने में उनसे जाना है, मैंने पोस्टर रिलीज़ करने वहाँ से, और वहाँ पे एक काफ़ी अच्छी दरगाह भी है, उनकी भी, साईं जी की भी मेरे को ब्लेसिंग्स है। मैं जब भी जाता हूँ, पहली बार भी गया था, जाता रहता हूँ, मिलता हूँ गुरु जी से, मिलता हूँ, वो बोलते हैं बेटा कोई नहीं, आप मेहनत करो, आपकी आवाज़ अच्छी, बाकी हमारे लायक कुछ होगा तो बता सकते हो, सपोर्ट हम करेंगे आपको। तो फ्यूचर में क्या कुछ बनना चाहते हैं? कुछ एम तो होता ही है हर इंसान। फ्यूचर तो मैं अभी सिंगर बना ही हूँ, तो मैं कुछ हाई लेवल का सोच रहा हूँ करने के लिए ना, मतलब इसी में आप देखते हैं, अब इसमें थोड़ी मेरे को हंसी भी आएगी, माता रानी की चीज़ होगी या सूफी होगी, ये ऊपर वाला ही फैसला करेगा। तो कोई जो भक्ति सॉन्ग आपके दिल के बहुत करीब हो, हमारे दर्शकों को दो लाइनें सुनाएंगे आप? जी मैं सुनाता हूँ, काफ़ी सारे मेरे ट्रैक आए, मेरा जो फेवरेट जो मैंने निकाला था आजा दाती है उसका नाम है, पंजाब से म्यूज़िक कराया गया था, और हमारे के जम्मू के अच्छे यशपालिया जी म्यूज़िक कंपोजर राइटर उन्होंने किया था। हाँ तेनू दिल दा मैं हाल सुनावा, तू एक बारी आजा दाती है, तू एक बारी आजा दाती है,
तेरे रज रज दर्शन पावा, हाय रज रज दर्शन पावा, तो एक बारी आ जा दातिए, तो एक बारी आ जा दातिए, माँ मेरी दा सोना मंदिर, बैठी आप गुफा दे अंदर, माँ मेरी दा सोना मंदिर, बैठी आप गुफा दे अंदर, तेरे रज रज हाय रज रज तेरे रज रज दर्शन पावा, तू एक बारी आ जा दातिए, तू एक बारी आ जा दातिए। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है। और एक चीज़, आपने डिवोशनल सॉन्ग हमें सुनाया, एक सूफी सॉन्ग, जैसे कि आपने कहा सूफी सॉन्ग आपको गाना बहुत पसंद है, तो कोई सूफी सॉन्ग हमारे दर्शकों के लिए? जी मैं सुनाता हूँ, गुरुजी को रिलेटेड ये उन्होंने गाया, बट मेरे को उनके मुंह से अच्छा लगा तो मैं उन्हीं के ऊपर सुनाऊंगा कि वो मेरे सब कुछ है, तो मैं गुस्ताखी चाहता हूँ, मैं उनको यार नहीं कह सकता हूँ, मेरे गुरुजी हैं, तो मैं थोड़ा सुनाता हूँ। मैं सूफी, मेरा यार भी सूफी, मैं सूफी, मेरा यार भी सूफी, दिल बिच बसदा है प्यार भी सूफी, मैं सूफी, मेरा यार भी सूफी, मैं सूफी, तेरे बिना मेरी जिंदगी है अधूरी, तू जो मिल जाए तो होए पूरी, तेरे लिए मेरे मन में है, तेरे लिए मेरे मन में इश्क जो छेड़े हो वो तार भी सूफी, मैं सूफी। तो राहुल जी, आपने हमें डिवोशनल सॉन्ग भी सुनाया, आपने हमें सूफी आवाज़ भी अपनी सुनाई, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज़ है आपकी। तो आप कश्मीर से बिलोंग करते हैं, आपकी जन्मभूमि है, और अगर कहते हैं ना कि अपनी जन्मभूमि के लिए अगर कुछ नहीं किया तो हमने फिर अपने लिए कुछ नहीं किया, तो कोई कश्मीरी सॉन्ग, कोई कश्मीरी डिवोशनल सॉन्ग जो आपके दिल के बहुत नज़दीक हो और आप गाना चाहते हो? हाँ, कश्मीरी में सुनाता हूँ सॉन्ग, दो लाइनें सुनाता हूँ, कश्मीरी हमारा कल्चर ही है, तो मुझे खुशी होगी, मैं ज़रूर एक दो लाइनें कोशिश करूँगा। शरण करतम दयाऊं श्री गणेशाए नमा, आसई शरण करतम दयाऊं श्री गणेशाए नमा, आसई शरण करतम दया ओम श्री गणेशाए नमा, आसई शरण करतम दया ओम श्री गणेशाए नमा। सही कहा है जिसने भी कहा है कि संगीत और रूह जब मिल जाते हैं तो जो सुर निकलते हैं उन सुर में जो मिठास होती है उस मिठास का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये थे हमारे साथ सिंगर राहुल रैना जी, जिनसे हमने बातचीत की, और जिस तरह से इनका ये मानना है कि अभी भी जम्मू कश्मीर में उस प्लेटफॉर्म की कमी है जिसके लिए यहाँ पर जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो बाहरी रुख करते हैं। आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में, कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और राहुल रैना की परफॉर्मेंस आपको कैसे लगी इसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।